प्रभु श्री राम ने अपना वचन के बारे में भरत जी को बताया, तब उन्होंने अपना जो राम भगवान थे उन्होंने अपना खड़ाऊ दिया और वो खड़ाऊ लेकर भरत जी नंदीग्राम को लौट आए। यहीं से फिर नंदीग्राम से ही पूरा अयोध्या और पूरा अपना राजपाट यहीं से भरत जी देखते थे। दक्षिणी मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा, तो यही है प्राचीन गुफा। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ जड़ बिहारी। प्रभु श्री राम जी का चौड़पाद का, जहाँ पे प्रभु से जब भरत जी लेकर आए थे चौड़पाद का। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जय श्री राम। मैं पवन यादव। गाइस जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं अयोध्या और रामायण और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, पुराने चीज, मोनूमेंट्स, हर एक चीज़ की जानकारी और वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज गाइस एक रामायण, वाल्मीकि रामायण काल से एक रिलेटेड जगह है, बहुत ही अहम है, जो भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी का है, वो है नंदीग्राम भरत कुंड। तो गाइस जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आज हमारे वीडियो के जरिए उस जगह को देख लेंगे और उसका दर्शन कर लेंगे और उसके जुड़े जानकारी जो है, इतिहास जो है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलते हैं नंदीग्राम भरत कुंड की ओर। तो रास्ते में जो भी चीज़ पड़ेगा, नहर, खेत खलिहान, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मंदिर कुंड सब दिखाऊंगा, उसका इतिहास भी बताऊंगा। तो चलते हैं। हमारे पीछे ये रोड आप देख रहे हैं, जो ये है, ये 14 कोसी परिक्रमा रोड है। तो गाइस यहाँ पे 14 कोस परिक्रमा किए थे भगवान श्री राम जी, तो इसीलिए 14 कोस परिक्रमा है। और यहाँ पे हर साल दीपावली के बाद में परिक्रमा होता है, तो परिक्रमा का भी वीडियो मैं लाऊंगा। अयोध्या में जितने भी हैं सब रामायण से रिलेटेड हैं, तो रास्ते में और भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। नगर के थोड़ा से आगे हैं जो भरतकुंड मार्ग पड़ता है, और ये भरतकुंड मार्ग से सीधे डायरेक्ट आप जाएंगे तो सीधा भरतकुंड पहुंचेंगे। तो हमारे पीछे आप देखो बैकग्राउंड में काफ़ी हरियाली रहती है इस रोड पे, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, गर्मी के टाइम काफ़ी बढ़िया लगता है इस रास्ते पे जर्नी करने में, क्योंकि छाया काफ़ी ज़्यादा रहता है। बारिश की वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भी हो गया है और कोहरा टाइप में हल्का है, और पेड़ वगैरह देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड़ है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और ये रोड बन रही है गाइस, अभी रोड ये क्या कहते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर भरतकुंड से, अभी इधर बना नहीं है। तो चलते हैं गाइस आगे, फिर आपको नहर वगैरह दिखाते हैं। में चलते चलते नहर मिला हुआ है, और मैं जो नहर की बात कर रहा था ये नहर है देखिए, और यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है जो पानी कम ज़्यादा करने के लिए। तो आप देखो नहर, और काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। पहुंच गए हैं, देखिए पीछे कुंड दिख रहा है आपको, यह है भरत कुंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इतिहास बताता हूं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ जानते हैं और फिर उसके बाद जब देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी और आपको भी। तो इसकी थोड़ा इतिहास मैं बताता हूं कि आप जानते हैं नंदीग्राम यानी भरत कुंड, ये रामायण काल का काफ़ी अहम स्थान है, क्योंकि रामायण में भी काफ़ी जिक्र किया गया है इस जगह का, कि और कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी तपस्या किए थे यहाँ पर, प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के आने की। इसके बारे में कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो उसकी जानकारी जब भरत जी को पड़ी तो भरत जी उनके पीछे गए और उनसे मुलाकात की, और उसके बाद उनसे आग्रह किया कि वो फिर वापस चले अयोध्या को। प्रभु श्री राम ने अपना वचन के बारे में भरत जी को बताया, तब उन्होंने अपना जो राम भगवान थे उन्होंने अपना खड़ाऊ दिया और वो खड़ाऊ लेकर भरत जी नंदीग्राम को लौट आए। के बाद भरत जी अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम के खड़ाओं को रख दिया और उसके बाद वो नंदीग्राम लौट आए। यहीं से फिर नंदीग्राम से ही पूरा अयोध्या और पूरा अपना राजपाट यहीं से भरत जी देखते थे। भरत जी पूरा 14 वर्ष तप किए थे इसी जगह पे, इसी नंदीग्राम में। फिर उसके बाद 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम जी आए तो सीधे नंदीग्राम आए यानी भरत कुंड आए। उसके बाद यहाँ से सभी लोग अयोध्या गए। ओके
गाइस ये जो कुंड आप देख रहे हैं इस कुंड का भी इतिहास है। जब भरत जी तप करने यहाँ नंदीग्राम आ गए थे भरत कुंड, तो उसके पश्चात प्रभु श्रीराम के पिताजी राजा दशरथ जी का निधन हो गया था, तो उसका पिंडदान करने के लिए ये कुंड बनाया गया था। तो ये कुंड देखिए आप, नंदीग्राम भरत कुंड इसको कहते हैं। और इस साइड वैकुंड भी है जो डेड बॉडी वगैरह जलाई जाती है हिंदू में। और इस साइड देखिए अभी इस टाइम पितृ विसर्जन चल रहा है, तो जो पितरों को चढ़ाया जाता है वो सब कुछ चढ़ रहा है। जो गया चारों धाम जाते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। और इस साइड आप देखो जो बस खड़ी हुई है, ये सब टूरिस्ट की बस है, ये सब चारों धाम जाएंगे और अपना पूर्वजों का पिंडदान करेंगे। इस साइड आप देखिए बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर पिंडदान करते हैं, फिर यहाँ से चारों धाम की यात्रा शुरू करते हैं। और आप ये देखो पूरा ऐसे है, और उस साइड भी काफी ज्यादा पिंडदान होता है। ऐसे जो पत्थर आप देख रहे हैं ये भी काफी ज्यादा चमत्कारी लगता है, क्योंकि पहले के टाइम बहुत मैंने वीडियो भी देखा है, तो इसको उठाते हैं, इसमें चूल्हा लगा रहता था, बट इसमें अब कोई ग्रिप नहीं है उठाने के लिए, नहीं तो मैं उठा के दिखाता भी। और कहा जाता है कि जो श्रद्धा से और जो भक्त रहते हैं प्रभु श्रीराम के, तो वही लोग उठा पाते हैं। और इसका वजन कितना होगा? 80 किलो या 1 क्विंटल। तो गाइस ये लमसम 1 क्विंटल रखिए, समथिंग 1 क्विंटल ये होगा। और इसको अगर अहंकार से आप उठाते हैं तो ये पत्थर उठ नहीं सकता है, और जो भक्त होते हैं वही उठाते हैं, ऐसा कि मैंने वीडियो कहीं देखा भी और पढ़ा भी था। आपने कुंड देखा, आप चलते हैं मंदिर की ओर, और जो मंदिर जहाँ प्रभु श्रीराम के छोटे भाई भरत जी तब किए थे 14 वर्ष, तो वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वो मंदिर। तो ऐसे मंदिर के पास आ गए हैं, और पीछे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। अब लिखा है ना दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा, तो ये भरत गुफा है इस साइड में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये मंदिर आप देखिए मुख्य मंदिर यही है जहाँ भरत जी 14 वर्ष तब किए थे। आपने जो लोग भाई नहीं देखे हैं उसको आज देख लेंगे, तो मैं चलता हूँ आपको प्रवेश द्वार दिखाता हूँ, काफी बढ़िया बनाया गया है। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरुति मन भावन। आपको ये दिखाते हैं, यही बना हुआ है जहाँ पे भगव प्रभु से श्री राम के छोटे भाई भरत जी तब किए थे 14 वर्ष, मेन मंदिर यही है। तो गुफे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे प्रभु से श्री राम के छोटे भाई भरत जी तब किए थे, और यहाँ पे गुफा छोटा सा बना हुआ है, और यही मेन मंदिर है जहाँ पे 14 वर्ष अपना तब किए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके अंदर। गाइस जैसे कि आप अंदर थोड़ा जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है दक्षिणी मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा, तो यही है प्राचीन गुफा, और यहाँ प्रभु श्री हनुमान जी हैं, और इन्हीं के बगल में भोले शंकर जी हैं जो बनाया गया है बाहर ही। फिर उसके बाद यही है गुफा जहाँ प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी तब किए थे 14 वर्ष। आप देखिए ये रामायण काल से रिलेटेड है, वाल्मीकि रामायण काल से, तो अंदर पूछना पड़ेगा, फिर प्रवेश करते हैं। तो आप इस गुफे में हलेंगे, और ये गुफा देखिए, और यहाँ पर सीताराम सीताराम का जाप हमेशा चलता रहता है। और इस गुफे में देखिए अंदर गुफा बनाया गया है, ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप देखिए, मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भरत जी बने हुए हैं गुफा में, और ये भरत जी हैं जहाँ पर तब किए थे 14 वर्ष के, जब प्रभु श्री राम आए उसके बाद 14 वर्ष के बाद अपने अयोध्या लौटे थे। और आप देखिए आप भाग्यशाली, और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये गुफा, ये प्राचीन गुफा है आप देखिए, और ये गुफा बनाया गया है, और काफ़ी अंदर में है ज़मीन के, वो ज़मीन में नहीं रहते थे, और खड़ाऊँ रखा गया है। आप ये देखो मैं जूम करता हूँ, ये खड़ाऊँ रखा गया है, आप ये देखिए व्यू। और यहाँ सीताराम सीताराम का जाप हमेशा चलता रहता है। और फिर चलते हैं हम आपको दिखाते हैं बड़ी मंदिर, भरत जी जहाँ तब किए थे वो गुफा आपने देखा, और मैं भी फर्स्ट टाइम आप लोग के जरिए ही देखा हूँ, क्योंकि आता था बट ये गुफा मैंने नहीं देखा था, तो मुझे मैं भी काफ़ी धन्य हो गया दर्शन करके। फिर चलते हैं उस बड़े वाले मंदिर पे, और वहाँ पर देखते हैं, और थोड़ा घूमते भी हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। वाले मंदिर के पास प्रवेश करते हैं इस साइड, फिर दिखाते हैं आपको इसके अंदर कैसी प्रतिमा रखी गई है।
भवन अमंगलहारी द्रवहुसुर। जैसा कि आप रामायण काल में देखे होंगे, जब लंका से लड़ाई खत्म हुई थी तब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा था पहले कि वो नंदीग्राम भरतकुंड आए तो संदेशा दें कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौट रहे हैं। तब उस पश्चात ये वही मूवमेंट है, देखिए गले लगे हैं भरत जी और हनुमान जी, तो यही वो जगह है जहाँ पर गले लगे थे। आप ये देखिए और दर्शन करिए, यही है। इसके अंदर चलते हैं जो गुफा के अंदर में, और यहाँ पे जो मैंने भी आपको बताया कि जहाँ भरत जी और हनुमान जी मिले थे, तो इसके अंदर भी गुफा है और मंदिर है। तो चलते हैं इसके अंदर में और दिखाते हैं आपको। फिर नीचे जाना पड़ता है और काफी अंधेरा है, तो चलते हैं। बने रहिएगा गाइस इस वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या रखा है। काफी अंधेरा हुआ है और इस साइड देखिए। तो गाइस ये देखिए आप, ये है चरणपाद का, प्रभु श्री राम जी का चरणपाद का, जहाँ पे प्रभु से जब भरत जी लेकर आए थे चरणपाद का, और यहीं पे रखकर पूरा 14 वर्ष राज किए थे अयोध्या में और राजपाट देखते थे। तो ये भगवान श्री राम का चरणपाद का है, आप इसको नमन करिए कि आप सौभाग्य हैं जो आपको प्रभु श्री राम के चरणपाद का देखने को मिल रहा है और दर्शन करने को मिल रहा है। यहाँ पर रखकर तब जो मैंने आपको गुफा दिखाया आया, तो वहाँ पर प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी तब करते थे गड्ढा खोद के, यानी गुफा बना था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और यह चरणपाद का यहाँ पर रखे थे, और इसके ऊपर ही मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हनुमान जी और भरत जी मिलन किए थे, वो संदेश लेकर आए थे। तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको। साइड से चलना पड़ेगा बाहर गुफा की, और फिर चलते हैं ऊपर। ये आ गया दौर। तो गाइस बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आ गए हैं बाहर, इस साइड से हले थे और इस साइड से बाहर आ गए हैं, और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। चलते हैं बाहर मंदिर के। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसे अच्छी जानकारी लगी हो, तो ऐसे और वीडियो आपको देखने को मिलेगा अयोध्या से रिलेटेड और प्रभु श्री राम के रामायण काल से रिलेटेड। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और इस ब्लॉग चैनल में, पवन यादव ब्लॉग में। और गाइस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ना भी अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं नया हूँ। अभी मुझे आई थिंक 4 महीने हुए हैं ब्लॉग बनाते हुए, तो ऐसे में अपनी जो जानकारी रहती है मैं आप तक शेयर करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे ऐतिहासिक चीज़ भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको भी इंटरेस्ट हो तो इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपने भरतकुंड देखा, कैसा लगा, कैसा उसका इतिहास लगा, सब जानकारी आपने ली। अब चलते हैं घर, और मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो रहा है, तो घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम घर आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लाल वाली बटन है उसको पीट पाट के ग्रे कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।